फास्ट न्यूज की खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। नगर उपसेवा केंद्र द्वारा बीके हीरा के निर्देशन में राम रथ यात्रा मेले में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन, राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने किया उद्घाटन, बीके हीरा ने शॉल ओढ़ाकर किया सम्मानित, विधायक प्रतिनिधि शेर मोहम्मद, पंचायत समिति प्रधान आरिफ खान समेत कई विशिष्ट लोग रहे मौजूद। पंजाब की अपरा सेवा केंद्र द्वारा रामनवमी व नवरात्रि के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का आयोजन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, बीके गौरी समेत अनेक सदस्य हुए शामिल, अष्टभुजाधारी देवी की झांकी ने सभी का मन मोहा। रामनवमी के अवसर पर जय माता दी सेवक संघ और हिंदू धर्म प्रचार समिति के उद्योग द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण, बीके पिंकी, बीके उषा समेत अनेक सदस्यों ने लिया हिस्सा, झांकियां रही मुख्य आकर्षण का केंद्र। गुप्तकाशी सेवा केंद्र एवं स्वास्थ्य विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा राजकीय कन्या विद्यालय उखीमठ द्वारा विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आगाज, बीके महर्षन ने बताया कि स्वस्थ आदमी वही है जो कि संपूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो। पूर्व विधायक आशा नौटियाल, प्राचार्य संतोष बिष्ट समेत अनेक विशिष्ट लोगों का रहा योगदान। जम्मू में धर्म अर्थ ट्रस्ट द्वारा रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा, बीसी रोड सेवा केंद्र के सदस्यों ने लिया उमंग उत्साह से हिस्सा। बल्लभगढ़ सेवा केंद्र द्वारा नवरात्रि एवं रामनवमी के पावन पर्व पर सजाई गई चैतन्य देवियों की भव्य झांकी, फरीदाबाद बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, पार्षद दीपक यादव, सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, बीके सीमा समेत अनेक सदस्य रहे मौजूद। केसली विश्वकर्मा मंदिर में चल रही रामकथा में रामनवमी के दिन बीके बहनों द्वारा सजाई गई चैतन्य झांकी, बीके संध्या ने राम के जीवन पर डाला प्रकाश, परमात्मा का दिया सत्य परिचय। अमृत महोत्सव के तहत मोहाली में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन, कई लोगों ने कराई निशुल्क स्वास्थ्य जांच, बीके रमा, बीके मीना समेत अनेक सदस्यों ने सदा खुश रहने के दिए टिप्स। ब्रह्मा कुमारी स्पन्ना सेवा केंद्र द्वारा रामनवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, राम दरबार की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र, खनन मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, सांसद विष्णुदत्त शर्मा समेत अनेक लोगों ने किए दर्शन, परमात्मा का मिला दिव्य संदेश। पुणे के रविवार पेट सेवा केंद्र द्वारा जागतिक आरोग्य दिन निमित्त रक्तदान शिविर का आगाज, रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर किया गया प्रोत्साहित। मुंबई के पवई सेवा केंद्र में कई विशिष्ट लोगों का आगमन, बीके इंदिरा ने बाबा के साथ हुए अनुभवों को किया साझा। रीवा में समाजसेवी संगठनों द्वारा निराला नगर स्थित दिव्य नगरी में कन्या भोज का आयोजन, बीके ज्योति, बीके नेहा, बीके इंदु, बीके सतेंद्र, समाजसेवी डॉक्टर सरोज सोनी समेत कई विशिष्ट लोग रहे उपस्थित, बच्चों को स्वच्छता, सफाई एवं नशा मुक्त जीवन जीने की सिखाई कला। रीवा के झीरिया सेवा केंद्र पर हीरालाल अग्रवाल को उनके समाजसेवी कार्यों के लिए किया गया सम्मानित, बीके इंदु ने दिया परमात्मा का परिचय, स्वस्थ जीवन के लिए दी गई शुभकामनाएं। थाने के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आगाज, डॉक्टर ताराचंद पवार, डॉक्टर सुहास देशपांडे समेत अनेक चिकित्सकों ने दिया योगदान। मध्य प्रदेश सागर के हफसिली में नवनिर्मित मंदिर में राम दरबार और शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ का आयोजन, बीके लक्ष्मी ने आयोजक पंडित राम नरेश तिवारी को दिया ईश्वरीय संदेश। जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता सक्सेना, डॉक्टर लता परियानी समेत अन्य चिकित्सकों ने स्वस्थ रहने के सिखाए गुर, बीके कविता ने राजयोग के बताए लाभ। हजारीबाग सेवा केंद्र पर विशेष कार्यक्रम, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, प्रभारी बीके हर्षा, बीके तृप्ति ने शारीरिक के साथ मानसिक योगा कराया। हिमाचल प्रदेश में ऊना सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आगाज, शाश्वत योगिक खेती के बारे में लोगों को दी गई जानकारी, बीके रितु, बीके डॉक्टर किरण ने किसानों में भरा उमंग।
गोवा के पणजी में ट्रांसपोर्ट विंग के अंतर्गत सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा का आयोजन पद्मश्री से सम्मानित तथा अर्जुन अवार्ड विनर ब्रह्मानंद संखलावरकर, पूर्व फुटबॉल कैप्टन सिंधुदुर्ग के प्रभारी बीके शोभा ने बताया रैली का उद्देश्य। पीलीभीत उपसेवा केंद्र द्वारा चैत्र नवरात्रि पर राजयोग शिविर व चैतन्य झांकियों का आयोजन, हजारों लोगों को मिला ईश्वरीय संदेश, उपसेवा केंद्र प्रभारी बीके रीमा रही मौजूद। वर्ल्ड होम्योपैथी डे के उपलक्ष्य में भोपाल के पंचवटी सेवा केंद्र द्वारा हेनेमन होम्योपैथी कॉलेज में बिहासा कार्यक्रम, सकारात्मकता विषय पर बीके डॉक्टर प्रियंका ने डाला प्रकाश, बीके साक्षी ने क्रिएटिव ध्यान द्वारा राज्यों का अभ्यास करने का किया आह्वान। महारापुरा के अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास में मोटिवेशनल वर्कशॉप, बीके लक्ष्मी ने कहा रोज सुबह उठकर कम से कम 10 मिनट ओम की ध्वनि करें, इससे विचारों में सकारात्मकता आती है। मौके पर अध्यक्षा ममता चौरसिया समेत छात्रावास की कई छात्राएं रही मौजूद। ओम शांति सरोवर उपसेवा केंद्र द्वारा हटवी चौक में 3 दिवसीय चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन, नगर पंचायत सांसद प्रतिनिधि प्रदीप कौशिक, नगर अध्यक्ष अमृता कौशिक, उसला सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया समेत अनेक सदस्यों ने किया उद्घाटन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया लाभ। रामनवमी के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा निकाली गई सुंदर झांकियां और बाइक रैली, लोगों को मिला ईश्वरीय संदेश। जोधपुर के ओसिया में ढोल नगाड़ों के साथ निकली शोभा यात्रा, हजारों की संख्या में युवा और महिलाएं हुई शामिल, समाज सेवियों और ब्रह्मा कुमारीज का संयुक्त प्रयास। फास्ट न्यूज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए मधुबन न्यूज़।